हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे कक्षा छठी से आठवीं तक के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों छठी के लिए काम है, सातवीं के लिए काम आएगा और आठवीं के लिए भी काम है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए दोस्तों, एक किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, एक किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, या एक मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक दर्जन में कितने केले होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास है। दोस्तों अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। देखिए, एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर कितना होता है दोस्तों, 1000 मीटर। एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। एक मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अगला देखिए, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। एक दर्जन में कितने केले आएंगे, 12 केले, है ना। एक माह बराबर 30 दिन। एक माह बराबर कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। और दोस्तों एक लीप वर्ष में क्या होता है दोस्तों, 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, है ना। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। दोस्तों ये लीप वर्ष कैसे आया, एक लीप वर्ष में 366 दिन कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगला, एक सप्ताह बराबर 7 दिन। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। एक घंटे बराबर 60 मिनट, है ना। और एक मिनट बराबर 60 सेकंड। एक मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होता है। अगला आता है दोस्तों, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दो अंकों की दोस्तों गिनती अपनों को याद है, एक से लगा 100 तक गिनती याद है, लेकिन 100 में कितने अंक हो जाते हैं, 3 अंक हो जाते हैं। और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी उसने, तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, 99। दो अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 99। अगर एक अंक की बड़ी संख्या पूछे तो कितनी आएगी, 9। और दो अंकों की पूछे तो 99। और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 10 होगी। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 10 होगी। इसी तरह दोस्तों अपन जानते हैं तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999। तीन अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 999। और इसी तरह तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100 होगी। सबसे छोटी कितनी होगी, 100 होगी, जिसमें तीन अंक है। तीनों को सबसे छोटी अगर पूछे तो 100 और बड़ी पूछे तो 999। इसी तरह चार अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या, 9999, ये बड़ी संख्या है। और छोटी पूछे तो 1000। अगर सबसे चार अंकों की सबसे छोटी अगर कोई पूछे तो 1000 छोटी, है ना। चार अंकों की सबसे छोटी पूछे तो 1000 और सबसे बड़ी पूछे तो 9999, ठीक है। अगला दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला, अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको एक लाइक कर देना। 52 की पूर्ववर्ती, दोस्तों पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या वो होती है जिसमें से एक कम, पूर्व मतलब पहले, तो 52 में से अगर एक कम करेंगे तो कितना होगा, 51, है ना। परवर्ती संख्या, 600 की परवर्ती संख्या, परवर्ती मतलब एक अधिक, तो 601, परवर्ती मतलब एक जोड़ देंगे, पूर्ववर्ती में एक घटा देंगे। अगला है रोमन संख्या। दोस्तों रोमन संख्या का वीडियो मेरे पहले बना चुका हूँ, तो इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल से बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो रोमन संख्या, 70 का रोमन संख्या क्या होगा, 70 का, 73 का रोमन संख्या क्या होगा। दोस्तों 73 का रोमन संख्या लिखने के लिए आपको 50 देखना पड़ेगा पहले। 50 मतलब एल, और 50 और 70, 50 ने ये 10 कितने हो गए, 60। इस एल को कितना बोलते हैं, 50। और एक्स का मतलब कितना होता है, 10। 50 ने 10 कितना हो गया, 60। 60 और 10 कितना हो गया, 70। 70 और ये तीन डंडे आएंगे तो 73 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह 65 लिखना है, तो ये 50 और ये 60 और ये 5 65, ऐसे 50
एल को मतलब कितना होता है 50, और एक्स का मतलब 10, 60 और वी का मतलब 5, तो कितना हो गया 65। इसी तरह 12, 12 में क्या होगा 10, तो ये एक्स 10 हो गया और ये दो डंडे, तो 10 2 12 हो गया। 6 लिखना है तो ये वी 5 और एक 6। 40 लिखना है तो 40 कैसे लिखेंगे दोस्तों, 40, अब 40 लिखने के लिए ये एल है, एल मतलब 50, 50 में से 10 कम कर देंगे तो एक्स एल, एक्स एल लिखेंगे तो 40 हो जाएगा। इसी तरह 100, 90, 90 को कैसे लिखेंगे, सी, सी का मतलब 100 होता है, 100 में से एक्स कम करा 10 कम करे तो 90 हो जाएंगे, ये एक्स सी, 100 में से 10 कम करे तो 90 हो जाएंगे। 69, 69 कैसे लिखेंगे, 69, 69 मतलब एल, देखो मतलब 10, 50 ही हो गए, 50 और ये कितने हो गए 60 हो गए। अब 9 लिखना है, कितना लिखना अपनों को 9 लिखना है, तो 9 लिखने के लिए अपनों को आई एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन आई एक्स, आई एक्स का मतलब क्या होगा एक कम, मतलब 50 60 और 9 69। इसी तरह 98 का देखेंगे, 98, 98 का कैसे लिखेंगे, देखो 98 में सी, पहले सी लिखेंगे मतलब 100, 100 में से 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। अब 90 तो 90 तो हो गए, अब अपनों को 8 और लिखना है, तो 8 के लिए क्या होगा 5 और 1 2 3, ये तो एक्स सी वी टेबल आई, यानी कि 98 हो गया। तो इस तरह से अपने इसका रोमन संख्या यहाँ पे लिख लिया है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब।